हाय गाइस, मैं हूं हमजा अली और आज आपके लिए लेके आया हूं मैं धाकड़ ट्रेलर 2, जो हाल ही में रिलीज हुआ है और ट्रेलर के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी हां, हम सब बात करेंगे इस बारे में। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। जी बात करते हैं धाकड़ की, तो कंगना रनौत स्टारर फिल्म है जो कि 20 तारीख को आपके नजदीकी थिएटरों में रिलीज होने जा रही है, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार है। तो इंतजार की आपकी घड़ियां खत्म होने जा रही हैं, क्योंकि 20 तारीख मई को आपके नजदीकी थिएटरों में फिल्म लगने जा रही है। तो बस आपका इंतजार खत्म। मगर बॉलीवुड वालों ने तो सोच रखा है कि ये साल 2022 का वो अपने नाम करके ही रहेंगे। कोशिश तो उनकी बहुत लगी हुई है, पर वो अपनी कोशिश पे खरे नहीं उतर पा रहे हैं। चलिए बात करते हैं धाकड़ मूवी की। तो धाकड़ की बात करें तो कंगना रनौत इसके मेन लीड रोल में है और अर्जुन रामपाल जो है वो विलन का रोल कर रहे हैं, दिव्या दत्ता उनके अपोजिट साइड है। और बात करें तो फिल्म की कहानी एक कंगना रनौत एक किलर एजेंट का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि फिल्म को याद दिलाता है किल बिल वॉल्यूम 2-3, जो कि आपने देखी होगी। 2002 में किल बिल हॉलीवुड की मूवी आई थी, कुछ उस फिल्म को इस फिल्म का ट्रेलर देख के कुछ उस फिल्म की याद आती है। तो हो सकता है कि कुछ ना कुछ उससे रिलेटिव हो, ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या निकल के आता है रिजल्ट। आपको बताते चलें कि इससे पहले धाकड़ से पहले फिल्म लीड रोल में मणिकर्णिका में नजर आ चुकी हैं कंगना रनौत, जो कि उनका मेन लीड रोल था उस फिल्म में, और वो पूरी की पूरी फिल्म अपने ऊपर ले गई थी, झांसी की रानी का किरदार निभाया था और इसमें वो किलर एजेंट का किरदार निभा रही हैं। बाकी तो फिल्म देखकर पता चलेगा कि फिल्म कितना रिस्पांस मिल सकता है और फिल्म कितने करोड़ की कमाई कर सकती है। तो मिलते हैं 20 तारीख को आपके नजदीकी थिएटर के रिव्यू के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।